सुप्रभातम। बच्चों, अपन ने कल भू धातु लंग लकार के रूप सिद्ध करने के लिए कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। साथ ही भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अभवत रूप को सिद्ध किया था। आज अपने क्रम में है अभवताम। लंग लकार को पूर्ण करते हैं अभवताम। इसे देखते ही अपन समझ जाएंगे धातु भू धातु, लकार लंग लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन द्विवचन। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है ए भवताम। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहला सूत्र लगाएंगे, अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग। इस सूत्र से भू धातु को कौन सा लकार हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। अनद्यतने लंग सूत्र से भू धातु को लंग लकार हुआ। उसके बाद में तिप्तास झी, तिप्तास झी, सिप्तास थ, मिप वस मस त अताम झ सूत्र से भू धातु को प्रत्यय होगा तस, तस प्रत्यय होगा। फिर हम अगला सूत्र लगाते हैं कर्तरी श, कर्तरी श। इस सूत्र से भू धातु को प्रत्यय होता है शप। फिर लंग लकार के लिए अपन ने एक सूत्र पढ़ा था लुंग लंग लिंग क्षवडु दातः, सूत्र पढ़ा था लुंग लंग लिंग क्षवडु दातः, लुंग लंग लिंग क्षवडु दातः। इस सूत्र से और आद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से, आद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से भू धातु को अटका आगम हुआ और हमारी स्थिति बनी अट भू शप और तस। फिर हमने सूत्र पढ़ रखा है हलंत्यम से टैकी और पैकी संज्ञा, लैसेक्व तद्धिते से सैकी संज्ञा और तस्य लोपे से इन तीनों का लोप। तो सबसे पहले हलंत्यम, फिर लैसेक्व तद्धिते और फिर तस्य लोप है। तीन चीजें हो गई, हलंत्यम से ट और पैकीत संज्ञा और फिर लैसेक्व तद्धिते से सैकीत संज्ञा और तस्य लोप से इन तीनों का लोप। स्थिति हमारी बनी अ भू ए और तस। फिर हमने एक सूत्र पढ़ा था लंग लकार के लिए की तस थस्थ मिपाम ताम तम ताम। हमारा सूत्र था तस थस्थ मिपाम, तस थस्थ मिपाम ताम तम ताम। इस सूत्र से तस थस्थ और मिप के स्थान पर ताम तम ते और अम आदेश होता है, इसलिए यहाँ हमारे तस है तो तस के स्थान पर इस नियम से तस थस्त मिपाम के नियम से क्या हो गया? ताम हो गया। स्थिति ए भू अ और ताम। फिर सार्व धातु कार्द धातु कयोह सूत्र से भू के ऊ को गुण ओ हुआ, तो सूत्र कौन सा हुआ? सार्व धातु कार्ध धातुकयोः
सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से उ के स्थान पर गुण हुआ ओ, और स्थिति हमारी क्या बनी? अ भय ओ और ता ए ताम, अ भ ओ अ ताम। फिर संधि का नियम लागू होता है और गुण का संधि का नियम लागू होता है और गुण का नियम लागू होता है, तब हम करते हैं एचो अय वायाव है, एचो अय वायाव सूत्र से ओ के स्थान पर अव हुआ, एचो अय वायाव सूत्र से ओ के स्थान पर अव। स्थिति अ भय आव अ और ताम। फिर अज्जिनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर हमारा क्या हुआ? रूप सिद्ध अभवताम। अज्जिनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर अ भ व ताम ए भवताम इति रूप सिद्धम, ए भवताम इति रूप सिद्धम। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में जो प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा अभवत अभवताम ए भवन, वो भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, तो अपन उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आएगा अगर प्रथम पुरुष का बहुवचन, और वो क्या होगा? ए भवन। तो सबसे पहले देखते हैं, हम समझ जाएंगे भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अनध्यतने लंग सूत्र से भू धातु को लंग लकार, तिप्तस झी सूत्र से भू धातु को झी हुआ, कर्तरी शप से शप हुआ, लुंग लंग लिंग शवडुदात सूत्र से और अद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से धातु को अटका आगम हुआ। अब हलंत्यम से टैकित संज्ञा और पैकित संज्ञा, लसक्व तद्धिते से सैकित संज्ञा और तस्य लोप से इन तीनों का लोप हुआ। तो सूत्र हलंत्यम लसक्व तद्धिते और तस्य लोप है। हलंत्यम और लसक्व तद्धिते से इन तीनों की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हुआ। स्थिति बनी हमारी अ भू ए और झी। कल हमने एक सूत्र पढ़ा था इतश्च, सूत्र पढ़ा था इतश्च, इतश्च सूत्र से ई का लोप हुआ और स्थिति बनी अ भू ए और झ। फिर हमने एक दिन पहले किसी वीडियो में एक सूत्र पढ़ा था झोंत, झोंत है सूत्र, झो अंत है। इस सूत्र से झ के स्थान पर अंत आदेश हुआ, तो स्थिति हमारी क्या बनी? अ भू अ और अंत, अंत आदेश हुआ। अब सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से भू के ऊ को गुण ओ हुआ। सूत्र सार्व धातु कार्ध धातुकयोः, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से ऊ के स्थान पर गुण ओ हुआ। स्थिति क्या हुई? अ भय ओ अ और अंत। फिर एचो अय वायाव है, एचो अय वायाव है सूत्र से ओ के स्थान पर अव हुआ। स्थिति अ
भ, अव, अ और अंत। अब अध्यनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर, क्या अध्यनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर हमारा शब्द बनता है अ भवंत, अभवंत बनता है, लेकिन हमें तो अभवंत चाहिए। फिर हम अगला सूत्र लगाएंगे संयोगांतस्य लोप है। अगला सूत्र हमारा होगा संयोगांतस्य लोप, संयोगांतस्य लोप है, संयोगांतस्य लोप है। हमने पढ़ा था संयोग किसे कहते हैं, हलो अनंतरा संयोग है। हल वर्णों के व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर का नहीं होना संयोग कहलाता है। यहाँ न और त के बीच में कोई स्वर नहीं है और अंत में कौन है त, तो संयोगांतस्य लोप सूत्र से संयोग के अंतिम वर्ण क्या त का, संयोगांतस्य लोप सूत्र से त का लोप हुआ, संयोगांतस्य लोप से त का लोप और स्थिति क्या बनी अ भवन, अभवन इति रूप सिद्धम। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है अभवन इति रूप सिद्धम। इसके पश्चात अभव, अभवतम, अभवत इन्हीं सूत्रों पर आधारित है, अभवम सेम इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। फिर अभवाव, अभवाम, उनमें सारे ये सूत्र लगते हुए अंत में केवल नित्यम गितः सूत्र से अंतिम से का लोप हो जाएगा और अभवाव अभवामय रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी के साथ में अपना भू धातु लंग लकार का प्रकरण पूर्ण होता है। अगले वीडियो में अपन विधिलिंग लकार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।